प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे अमृत सरोवर अभियान के तहत आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भीतरी शहर में स्थित तापी बावड़ी के पुनरुद्धार कार्य का अवलोकन किया गया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही इस बावड़ी पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर तापी बावड़ी के पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया गया। पुनरुद्धार के तहत तापी बावड़ी की संपूर्ण दीवारों की मरम्मत और पूरे जल को खाली कर बावड़ी की साफ सफाई करते हुए हेरिटेज लुक का संरक्षण करते हुए संपूर्ण पुनरुद्धार करवाया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक जल स्रोत को बचाने का संकल्प लिया है। इसी को लेकर ऐतिहासिक बावड़िया और अन्य जल स्रोत आदि का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। देखिए, ये केवल पहली शुरुआत है और जोधपुर लक्ष्य ये है कि हम जोधपुर की सारी बावड़ियों का, जहाँ भी हमें जन सहयोग मिले और हमको साथ मिले लोगों का, संसाधन की कमी नहीं आएगी ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ, लेकिन लोगों का साथ मिले इसके लिए आप सबके भी सहयोग और साथ की आवश्यकता है। इसको एक हम जो है इस संरक्षण के, पुरातत्व संरक्षण के अभियान को एक जन जन का आंदोलन बना सकें तो ये जल का आंदोलन जन का आंदोलन बन जाएगा तो निश्चित सफल होगा। वहीं इस दौरान राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने को लेकर भी मंत्री गजेंद्र सिंह ने बयान दिया। जिस किसी ने पाप किया है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जिसने नहीं किया है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, साहस के साथ में खड़े होकर के ऐसी जांच का सामना करना चाहिए। आपको बता दें, इस अवलोकन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कार्यक्रम आयोजक नरेंद्र सालेचा सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता और शहरवासी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूडी की रिपोर्ट।